बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हम अपनी रेगुलर क्लास में फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 7 से एक क्वेश्चन मैंने पार्ट उठाया है, फाइंड सॉल्व द इक्वेशन बाय एनी अप्रोप्राइट मेथड। सही तरीका अप्लाई करते हुए, मेथड इस्तेमाल करते हुए आपने इक्वेशन को सॉल्व करनी है और दिए गए अल्फ़ाबेट का आंसर मालूम करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि क्लास शुरू करें, एक रिक्वेस्ट के लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ सके, ठीक है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेथड समझ आता है, क्वेश्चंस सॉल्यूशन आप खुद कर रहे हैं, मेरी मेहनत आपको समझ आ रही है, तो आप फिर वीडियो लास्ट में लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। मज़ीद ये कि नीचे मेरा नंबर आपके सामने आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप तक एजुकेशन इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम्स के हवाले से, एडमिट कार्ड के हवाले से और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक अपडेट आती रहे, तो अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट ग्रुप है बॉयज़ गर्ल्स, मैं उसमें आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है। इसमें आपको जो है वो पेपर के दौरान इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज, नोट्स, गैस पेपर फराम होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स प्लस फाइव अंडर रूट में इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमें x फाइंड आउट करना होगा क्योंकि इसमें गिवन अल्फ़ाबेट x है। मालूम करने के लिए इस x को भी रूट से बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे रूट से बाहर है, यहाँ रूट में, तो रूट से बाहर लाने के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि पहले जो है वो हमें इसको बाहर करना होगा रूट से। तो रूट से बाहर करने के लिए स्टूडेंट्स हमने इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x प्लस फाइव स्क्वायर अप्लाई करा स्टूडेंट्स, और दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करना है। टू से रूट कट जाएगा क्योंकि आपको मालूम है अंडर रूट टू जो है वो टू के बराबर होता है, तो टू से टू कैंसिल हो गया, ये बाहर आ गया स्टूडेंट्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म बी है। फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए थी एक्स और बी जो है वो वन था। ये ऑलरेडी बाहर स्टूडेंट्स, ऐसे ही लिख लेंगे, टू वन जा टू, एक्स अपनी जगह, वन का स्क्वायर वन होता है स्टूडेंट्स। इन दोनों टर्म को उठा के वहाँ ले जाते हैं, तो ये अपनी जगह रहा, एक्स पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, फाइव पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, और इधर कुछ नहीं बचा तो ज़ीरो कर लें, ठीक है। वहाँ पे भी लिख सकते हैं लेकिन फिर आप कन्फ्यूज़ होते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं है, आपने ऐसी कॉपी कर लेना है, एक्स और एक्स, सिंगल एक्स सिंगल एक्स, माइनस माइनस प्लस, थ्री एक्स, फाइव में से वन गए फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग रहा है और इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। थ्री वन जा थ्री और फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, ईजी रहेगा। स्क्वायर वाली रकम ए, सिंगल अल्फ़ाबेट आपको मालूम है बी, और जिसमें अल्फ़ाबेट ना हो वो सी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको मालूम है, माइनस बी, फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ आपको मालूम है, माइनस बी, माइनस फार्मूले का बी की जगह बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की जगह मैंने वापस बी की वैल्यू पुट कर दी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो गया स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस,
थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस माइनस प्लस, फोर वन जा फोर और फोर फोर जा सिक्सटीन, टू वन जा टू, थ्री प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू। 25 का रूट सबको मालूम है स्टूडेंट्स, 5 आता है। अब एक दफ़ा आपने प्लस में 5 ले लेना है और एक दफ़ा माइनस में 5 ले लेना है, क्योंकि दो साइनें लगी हुई थी। 5 थ्री 8 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, 5 में से 3 गए 2 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2। तो आपके पास x आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 1, दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। रूट से बाहर लाने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे पिछले सवाल में किया था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के लिए आपने इस पे पावर 2 अप्लाई कर दी, रूट पहले से लगा हुआ था, टू से रूट बाहर कर दिया है ना, ये स्टूडेंट्स बाहर आ गए, वैल्यू बाहर आ गई। ए माइनस बी का होल स्क्वायर वही फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल पिछले वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो चेंजिंग नहीं है ना, तो वही फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, ये बड़ी पावर है, इसको यहीं रहने दीजिए, यहाँ पावर बड़ी थी, इसको वहाँ ले जाइए, इसको भी वहाँ ले जाए। एक्स स्क्वायर अकेला है, माइनस माइनस प्लस 5, साइन बड़े क्या आएगी, बड़ा 3 है, प्लस माइनस कट गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव था, अच्छा मुझसे गलती हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये अपनी जगह रहा, ये दोनों वहाँ चले गए, प्लस माइनस कट गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास एक्स स्क्वायर और ये है, तो इसमें आपने एक्स स्क्वायर यहीं रखा, इसको उठा के वहाँ ले गए, एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखें यह मुश्किल नहीं था, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप 5 ईयर से सॉल्व कर रहे हो पास पेपर से, और आपको कोई क्वेश्चंस समझ ना आए, कहीं डिफिकल्टी फील हो, तो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वक्त निकाल के आपको उसको सॉल्व समझा दूंगा या सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9x माइनस 5 अपॉन 2। देखें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, x की वैल्यू मालूम करनी है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके पहले मल्टीप्लाई होगा 2x, अपनी जगह रहा, रूट से बाहर आएगा तभी काम हो सकेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी स्टूडेंट स्क्वायर अप्लाई कर दिया, 2 से रूट कट गया, 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर 4, एक्स टू जा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उठा के यहाँ ले आते हैं, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 5 फोर जा 20, दो नंबर आपने सोच रहे हैं जिसे मल्टीप्लाई करें तो 20 बने, सॉल्व करें तो 9 बने, बहुत ईजी है, 5x और 4x, ठीक है ना, 5 फोर जा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, और इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9, और 9 कौन सा आना चाहिए, नेगेटिव, और
सॉल्व करने पे 9 कौन सा आ रहा है? नेगेटिव, क्यों? क्योंकि 5 बड़ा है, साइन बड़े की आती है। इन दोनों में से कॉमन लीजिए स्टूडेंट्स, x कॉमन है, अंदर बचेगा 4x माइनस 5। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लें, 1 कॉमन ले लें, बाकी ऐसे ही अमाउंट आ जाएगी। स्टूडेंट माइनस आ रहा है, जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना तो अंदर वाली साइन इन्वर्स हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। देखिए कॉमन आ गया, इसका मतलब है आपने फैक्टर सही लिया, कॉमन ले लें, ठीक है, ये जीरो के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो जीरो चल रहा था ना, इन दोनों ब्रैकेट को जीरो के बराबर ले लीजिए, एक्स नेगेटिव वन था वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव फाइव है वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, एक्स मालूम करना है, एक्स को यहीं छोड़ दिया, फोर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, दैट इज योर एक्स वैल्यू। देखिए इजी था, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम्स में भी आते हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप उसे सॉल्व करें, और जो मुश्किल लगता है आप मुझे उसे सेंड कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसे जल्द अज जल्द आपको आंसर प्रोवाइड करूं, समझाऊं। वीडियो समझ आई हो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की थी, अब देखने के बाद आपको मेथड समझ आता है, क्वाड्रेटिक भी अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन भी अप्लाई की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।